आज के लेक्चर में हम चेन रूल जो डेरिवेटिव का है उसका हम प्रूफ करेंगे चेन रूल का हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं आज इसका प्रूफ करेंगे थोड़ा सा जरा डिफरेंट टाइप का प्रूफ है थ्योरम हमारे पास इस वक्त ये है कि अगर फर्ज करें आई और जे दो इंटरवल्स हैं आर के सबसेट्स हैं और एफ आई से जे पर एक फंक्शन है और जी जे से आर के ऊपर एक फंक्शन है एफ हमारे पास फंक्शन है इंटरवल आई से इंटरवल जे के ऊपर फ़र्ज़ कर लें इंटरवल आई जो है वो ए से बी तक का इंटरवल है ओपन है या क्लोज है या माइनस इनफिनिटी से बी तक का है या ए से इनफिनिटी तक का है कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बस इंटरवल है और एफ़ फंक्शन डिफाइन है इंटरवल आई से इंटरवल जे के ऊपर जी फंक्शन डिफाइन है इंटरवल जे से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर और हमें गिवन ये है कि सी डोमेन में से कोई एक पॉइंट है फंक्शन एफ की सी एक पॉइंट है जो फंक्शन एफ़ की डोमेन में से है और हमें गिवन ये है कि एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है सी पे जो फंक्शन एफ है उसका इस पॉइंट सी के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन जी जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एफ एफ सी फंक्शन एफ का सी पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन जी का एफ एफ सी पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इनकी कंपोजिशन से जो फंक्शन जी नॉट एफ होगा जो कि इंटरवल आई से आर के ऊपर डिफाइन होगा उसका डेरिवेटिव सी पर एग्जिस्ट करेगा और उसका सी के ऊपर जो डेरिवेटिव है उसका फार्मूला होगा जी का डेरिवेटिव इन टू एफ का डेरिवेटिव जिसका हम अक्सर इस्तेमाल भी करते आए हैं मिसाल के तौर पे आपको अगर एक्स स्क्र प्लस फोर की पावर फाइव का डेरिवेटिव मालूम करना हो विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स इस फंक्शन को आप कह लें ये हमारे पास एफ एफ एक्स है और बाहर से जो इसके ऑपरेट हो रहा है जो पावर फाइव ले रहा है उसको आप कह लें जी है तो हम क्या करते हैं पहले जी का डेरिवेटिव लिया करते हैं यानी एक्स स्क्र प्लस फोर की ये जो पावर फाइव है बेसिकली एफ एक्स की पावर फाइव जो है ये मेरे पास जो है ये जी एफ 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 एक्स है इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर से मल्टीप्लाई किया पावर को एक कम किया और उसके बाद जिसकी पावर थी यानी जी जिस के ऊपर ऑपरेट हो रहा था उसका डेरिवेटिव लेंगे एफ का डेरिवेटिव। पहले हम जी का डेरिवेटिव लेंगे इनटू एफ का डेरिवेटिव। यही हमारे पास चेन रूल है आज हमने इस चेन रूल का प्रूफ करना है फंक्शन एफ़ इंटरवल आई से जे पर डिफ़ाइन किया गया है फंक्शन जी इंटरवल जे से आर पर डिफाइन किया गया है जी नॉट एफ फंक्शन जो है वो इंटरवल आई से आर पर डिफाइन होगा फंक्शन एफ़ का सी पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है हमें गिवन है जी का डेरिवेटिव एफ एफ सी वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है ये भी हमें गिवन है जी नॉट एफ का सी पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ये हमने प्रूव करना है और जी नॉट एफ का सी पे डेरिवेटिव इक्वल होगा जी का डेरिवेटिव एट एफ एफ सी इंटू एफ का डेरिवेटिव एट सी इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफेंशबल है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है और कोई फंक्शन किसी लिमिट पॉइंट पे सिर्फ उस वक्त कंटिन्यूस होता है जब उसकी लिमिट और वैल्यू सेम आए और डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है अगर सी पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि एफ़ का डेरिवेटिव एट सी इक्वल है लिमिट एक्स प्रोचिस टू सी एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी ओवर एक्स माइनस सी के और डेरिवेटिव उस वक्त हम कहते हैं जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है मुझे अब जी नॉट एफ का डेरिवेटिव एट c मालूम करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये होगा लिमिट एक्स टू सी जहाँ जहाँ इस डेफिनेशन में एफ़ आ रहा था वहाँ जी नॉट एफ लिख लेंगे जी नॉट एफ एफ एक्स माइनस जी नॉट एफ आफ सी ओवर एक्स माइनस सी लेकिन ये रिजल्ट हमारे लिए डायरेक्ट ड्राइव करना मुमकिन नहीं है इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट प्रूफ करने लगे हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे इस बात का इस्तेमाल करते हुए कि फंक्शन एफ़ का डेरिवेटिव सी पर मौजूद है फंक्शन एफ हमारे पास आई से जे पे डिफ़ाइन है फंक्शन एफ़ का सी पे डेरिवेटिव मौजूद है मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ नाम मैं इसका फाइ रख रहा हूँ ये आई से जे पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ और कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि फाइ ऑफ एक्स इक्वल है एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी के अगर एक्स सी के इक्वल ना हो और अगर एक्स सी के इक्वल हो तो फाई का आंसर एफ डैश सी है फंक्शन एफ़ आई से जे पे डिफाइन किया गया है फंक्शन एफ़ का सी पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एफ़ डैश सी हमारे पास मौजूद है फंक्शन फाई मैंने डिफ़ाइन किया है आई से जे के ऊपर कि सी के ऊपर इस फंक्शन फाई का आंसर एफ डैश सी है और सी के अलावा वाले पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन फाई का आंसर एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी ओवर एक्स माइनस सी है ये जो फंक्शन मैंने फाइ डिफ़ाइन किया है मैं इसकी लिमिट एक्सपोचिस टू सी मालूम करना चाहता हूँ लिमिट एक्सपोचिस टू सी फाइव ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हुए फाइव ऑफ एक्स की जगह मैं पहला फार्मूला लिखूं या दूसरा लिखूं जब मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्रोचिस टू सी की तो उसका मतलब है एक्स सी के करीब है जब एक्स मेरे पास सी के करीब है सी नहीं है तो फाइव ऑफ एक्स मेरा इक्वल है एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी ओवर एक्स माइनस सी के तो यहाँ फाइव ऑफ एक्स की जगह एफ़ आफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी लिखते हैं और इसकी लिमिट एक्सप्रोचिस टू सी और ये ज़रा याद करें किसके इक्वल है ये तो फंक्शन एफ के डेरिवेटिव के इक्वल है यानी लिमिट एक्सपोचिस टू सी फाइव ऑफ एक्स इक्वल आ गया एफ डैश सी के ये मैंने एक फंक्शन फाइव डिफाइन किया है फ़ाई इक्वल है एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी और एक्स माइनस सी के अगर एक्स सी के इक्वल ना हो और फाइव इक्वल है एफ डैश सी के अगर एक्स सी के इक्वल हो इस फंक्शन फाइ के लिए मैंने एक रिजल्ट ड्राइव किया है कि लिमिट एक्सपोच टू सी फाइव ऑफ एक्स बराबर है एफ डैश सी के एक और बात नोट करने लगा लगाऊँ मैं इस फंक्शन के लिए इस फंक्शन में जब भी एक्स सी के इक्वल ना हो तो ये फंक्शन फाइव ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी के अगर इसमें से एक्स माइनस सी को इधर ले आएं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल आ रहा है एक्स माइनस सी इंटू फाइव ऑफ एक्स के जब भी एक्स सी के इक्वल ना हो जब भी आपके पास कोई फंक्शन एफ डिफाइन हो किसी भी इंटरवल आई से जे के ऊपर उस फंक्शन f का c के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं वो फंक्शन नाम आप उसका जो भी रख लें दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है अगर हमने ये फंक्शन फाई डिफाइन किया है तो एक कंडीशन तो ये है कि लिमिट एक्सपोच टू सी f ऑफ एक्स बराबर होगा एफ के डेरिवेटिव के जिस फंक्शन एफ की मदद से हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है और दूसरे ये कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ़ सी बराबर होगा एक्स माइनस सी टाइम्स फाइव एफ एक्स के एफ़ की मदद से हमने फंक्शन डिफाइन किया है एफ़ का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद था हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसकी लिमिट एक्सपोच टू सी जो है वो फंक्शन एफ़ के डेरिवेटिव के इक्वल है और जब भी एक्स सी के इक्वल ना लें तो वो फंक्शन फाइव एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये हम हमेशा कर सकते हैं ये बेसिकली जो मैंने फंक्शन फाइव डिफाइन किया है ये कैथरडरी थ्योरम का एक पार्ट है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो हम एक नया फंक्शन बना सकते हैं जो कंडीशन टू को सेटिस्फाई कर रहा हो और जो फंक्शन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो ये जो कंडीशन वन मैंने बनाई है बेसिकली ये कंडीशन ये भी बता रही है कि ये फंक्शन फाइव जो है वो कंटिन्यूस है मैंने फाइव की लिमिट हल की और फाइव की लिमिट सी के ऊपर जो है इस फंक्शन फाई की सी के वैल्यू के इक्वल आ गई और याद रखें जब भी किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू के इक्वल होती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है कैथरडरी थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप एक नया फंक्शन बना सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो यानी वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो कैथरडरी थ्योरम जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है मैंने उसकी एक डायरेक्शन प्रूफ की है अगर कैथोरिटरी थ्योरम का अलग से प्रूफ करेंगे तो फिर रिफेंड ओनलीफ के साथ करेंगे यानी ये बात भी प्रूफ करेंगे कि अगर आपको एक ऐसा फंक्शन फाइव मिल गया है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जो पॉइंट सी पे कंटिन्यूस है तो फिर फंक्शन एफ का सी पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है लेकिन यहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो चेन रूल प्रूफ करने के लिए मुझे सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि अगर फंक्शन एफ का सी पे डेरिवेटिव है तो मैं एक फंक्शन फाइव बना सकता हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो और जिसके लिए लिमिट एक्सपोचिस टू तो सी फाइव एफ एक्स एफ डैश सी के बराबर हो यही काम अब हम फंक्शन जी के लिए करना चाहते हैं ये जो सी के ऊपर फंक्शन एफ की इमेज एफ एफ सी है इसका नाम हमने टी रख लिया है और मेरे पास जी डैश टी जो है यानी जी का डेरिवेटिव एट एफ एफ सी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है मैं फंक्शन जी की मदद से एक नया फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ फंक्शन जी जो है वो जे से आर पे डिफाइंड था तो नया फंक्शन हम साई बना सकते हैं जे से आर के ऊपर एक बात ये कि साई के ऊपर जैसे यहाँ पे था कि फाई के ऊपर एक्स की जो लिमिट सी है वो एफ़ डैश सी हो अब मैंने एफ़ की जगह जी इस्तेमाल किया है तो तो जी डैश सी के इक्वल हो लिमिट एक्सपोच टू सी सी की जगह मैंने वेरिएबल टी इस्तेमाल किया है यहाँ पे उसी तरह से जी डैश टी के इक्वल हो और वेरिएबल जो डोमेन जी के में से हैं उनके नाम में वाई ले रहा हूं यानी वाई अप्रोचेस टू टी फंक्शन साई और एक्स की जगह मैं यहां पे वाई वेरिएबल यूज कर रहा हूं लिमिट वाई अप्रोचेस टू टी साई ऑफ या बराबर है जी डैश टी के जैसे मैंने फंक्शन फाई बनाया था कि फाई की लिमिट एक्सप्रोचेस टू सी एफ के डेरिवेटिव के इक्वल है उसी तरह से अब हम ये कह रहे हैं फंक्शन साई si मिलेगा कि फंक्शन साई की लिमिट y प्रोचिस टू टी वो जी डैश टी के इक्वल होगी यानी हमारे पास लिमिट y प्रोचिस टू टी साई या वाई इक्वल होगा जी डैश टी के और इसी तरह से इस दूसरी कंडीशन को भी हम साई si के लिए लिखते हैं सी जो है उसकी जगह हमने वेरिएबल टी लिया है वेरिएबल x की जगह हमने y लिया है फाई की जगह जो है हम साई si की बात कर रहे हैं एक्स की जगह वाई की बात कर रहे हैं एफ 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 की जगह हम जी की बात कर रहे हैं तो जी एफ वाई माइनस जी एफ टी अब हमारे पास फंक्शन साई के लिए यही कंडीशन बनेगी कि जी एफ वाई माइनस जी एफ टी इक्वल है वाई माइनस टी साई एफ वाई के मेरे पास फंक्शन जी जो है उसका पॉइंट टी पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था तो मैंने एक फंक्शन साई बना लिया जे से आर के ऊपर के साई की लिमिट वाई अप्रोचेस टू टी जी डैश टी के इक्वल है और जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ टी इक्वल है वाई माइनस टी टाइम्स साई ऑफ वाई के बस यही जो मेरे पास रिलेशंस बनी हैं वन टू थ्री और फोर मैं इन रिलेशंस का इस्तेमाल करते हुए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव के रिजल्ट को प्रूफ करूंगा। अगर मुझे जी नाट एफ का डेरिवेटिव एट सी कैलकुलेट करना है तो मुझे जी नाट एफ ऑफ एक्स माइनस जी नाट एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट एक्सपोचिस टू सी कैलकुलेट करना है इसके लिए पहले मैं जी नाट एफ ऑफ एक्स माइनस जी नाट एफ ऑफ सी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ जी नाट एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ जी आफ एफ एफ एक्स और जी नाट एफ ऑफ सी को मैं लिख सकता हूँ जी आफ एफ एफ सी इसको मैंने डिवाइड करना है एक्स माइनस सी से और इसकी लेनी है लिमिट एक्सपोच टू सी और फिर उसका रिजल्ट मुझे ड्राइव करना है मैं इसके दो केसेस करूँगा पहले केस में मैं ले रहा हूँ कि एफ एक्स और एफ सी इक्वल नहीं है एफ आफ एक्स जो है बेसिकली y है एफ एफ एक्स कहाँ पे आ रहे हैं एफ एक्स जो है अगर यहाँ से x ले रहे हैं तो एफ एक्स हमारे पास j में आ रहे हैं जो कि y है और t जो है वो हमने एफ सी को कहा है तो ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर है ये बेसिकली है जी एफ 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 एक्स माइनस जी एफ 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 सी इक्वल है एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी इंटू साई एफ वाई के इसी बात का इस्तेमाल करने लगे हैं और यहाँ पे हमारे पास ये जो एफ एफ एक्स है जिसको मैं वाई ज्यूम कर रहा हूँ और ये जो एफ एफ सी है जिसको हम टी ले रहे हैं वाई और टी इक्वल नहीं है गो के इक्वेशन नंबर फोर जो है ये तमाम वाई इन जे के लिए है और हमारे पास जो एफ एफ एक्स हैं वो सिर्फ जे के वो एलिमेंट्स हैं जो अंडर एफ एक्स की इमेज बन रहे हैं याद रहे उसने ये नहीं कहा हुआ कि फंक्शन एफ ऑन टू है अगर हम एफ की डोमेन में से कोई एक्स लेते हैं तो एफ एफ एक्स जे में होता है लेकिन ये जे के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जो इक्वेशन नंबर फोर है वो इंटरवल जे के तमाम पॉइंट्स वाई के लिए होल्ड कर रही है जो टी के इक्वल नहीं है हम इसी इक्वेशन नंबर फोर का इस्तेमाल करने लगे हैं कुछ वाई के लिए उन वाई के लिए जो एफ एफ एक्स से बन रहे हैं तो ये जो जी एफ 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 एक्स माइनस जी एफ 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 सी है ये इक्वल आ जाएगा फोर के मुताबिक एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी और साई एफ वाई के बाय फोर जी नॉट एफ एफ एक्स माइनस जी नॉट एफ एफ सी इक्वल आ गया एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी और साई एफ y और y हम बेसिकली किसको ले रहे हैं y हम एफ आफ एक्स को ले रहे हैं तो साई ऑफ़ एफ आफ़ एक्स के इक्वल आ गया और एफ आफ एक्स माइनस एफ एफ सी जो है बाई टू जो है ये इक्वल है एक्स माइनस सी इंटू फाई आफ़ एक्स के यहाँ पे एफ आफ़ एक्स माइनस एफ आफ़ सी की जगह एक्स माइनस सी टाइम्स फ़ाइ ऑफ एक्स लिख लिया और ये इक्वेशन उस वक्त है जब एक्स सी के इक्वल ना हो अगर एक्स सी के इक्वल नहीं है तो एक्स माइनस सी ज़ीरो नहीं है और हम पूरी इक्वेशन को x- माइनस सी से डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को x- माइनस सी से डिवाइड कर दिया हम चाहते थे g नॉट एफ एफ सी बनाना जो कि इक्वल था g नॉट एफ एफ एक्स माइनस जी नाट एफ एफ सी ओवर x माइनस सी के हमने लेफ़्ट साइड पे g नाट एफ एफ एक्स माइनस जी नाट एफ एफ सी ओवर x माइनस सी बना लिया है अब अगर हम इसकी लिमिट एक्सपोचिस टू सी लेंगे तो हमारे पास g नाट एफ का डेरिवेटिव एट सी बन जाएगा तो ऐसा करते हैं दोनों साइडों पे लिमिट टू ले लेते हैं राइट साइड पे ये जो प्रोडक्ट की लिमिट है इसको अलग अलग लिख लेते हैं लिमिट एक्सपोच टू सी फाइ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सपोचिस टू सी हमारे पास जो फंक्शन एफ है उसका सी पर डेरिवेटिव मौजूद है अगर फंक्शन एफ का सी पर डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन एफ सी पर कंटिन्यूस भी है और अगर फंक्शन एफ सी पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्सपोच टू सी एफ एफ एक्स जो है वो एफ एफ सी के इक्वल है और जिसका असल मतलब यह है कि जब आप एक्स को सी के करीब करते हैं तो हमारे पास जो एफ एफ एक्स है वो एफ एफ सी के करीब हो जाता है यहाँ पे ये यह जो सेकंड फंक्शन है इसमें डायरेक्ट हमारे पास एक्स मौजूद ही नहीं है एफ आफ एक्स मौजूद है तो हम ऐसा करते हैं इसमें एक्स पोचिस टू सी की जगह एफ आफ एक्स पोचिस टू एफ एफ सी लिख लेते हैं क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है और कॉन्टीन्यूस होने का मतलब है जब हम एक्स को सी के करीब करेंगे तो एफ आफ एक्स एफ आफ सी के करीब हो जाएंगे इस सेकेंड फंक्शन में लिमिट एक्स पोचिस टू सी की जगह हम लिमिट एफ आफ एक्स पोचिस टू एफ एफ सी ले रहे हैं और ये जो वन है ये कह रही है कि लिमिट एक्स पोचिस टू सी फाइव आफ एक्स जो है वो एफ डैश सी के इक्वल है तो ये जो लिमिट एक्स प्रोचेस टू सी फाई ऑफ एक्स है इसकी जगह एफ डैश सी लिख लिया और हमारे पास ये जो थ्री है इसमें वाई अप्रोचेज टू टी आप कह सकते हैं कि एफ एफ एक्स अप्रोचेस टू एफ एफ सी साई एफ वाई एफ एफ एक्स इक्वल है डी डैश टी के तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है कि लिमिट एफ एफ एक्स प्रोचेस टू एफ एफ सी साई एफ 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 एक्स ये इक्वेशन थ्री के मुताबिक जी डैश टी के इक्वल बन रहा है गो के ये जो थ्री है ये तमाम वाई जो टी के करीब हो उनके लिए एग्जिस्ट कर रही है लेकिन अगर ये उन तमाम वाई जो टी के करीब हैं उनके लिए एग्जिस्ट कर रही है तो ये उन वाई के लिए भी एग्जिस्ट कर रही है जो एफ एफ एक्स की मदद से बन रहे हैं एक दफ़ा फिर याद करवा दूँ ये उसने नहीं बताया हुआ कि हमारे पास जो एफ है वो ऑन टू फंक्शन है एफ एफ एक्स जो है वो जे इंटरवल के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है लेकिन अगर इक्वेशन नंबर थ्री जो है उन तमाम वाई के लिए होल्ड कर रही है जो टी के करीब है तो ये इक्वेशन नंबर थ्री उन एफ एफ एक्स के लिए भी होल्ड कर रही है जो टी यानी एफ एफ सी के करीब हैं तो लिमिट एफ एफ एक्स प्रोचेस टू एफ एफ सी साई ऑफ एफ एफ एक्स जो है ये बराबर है किसके ये बराबर है जी डैश टी के इसकी जगह हमने जी डैश टी लिख दिया लेफ्ट साइड जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ये हमारे पास जी नॉट एफ का डेरिवेटिव एट सी है राइट right साइड पे ये जी डैश टी में टी बेसिकली हमारे पास एफ एफ सी है तो ये जी डैश एफ एफ सी पहले लिख लिया और बाद में एफ डैश सी लिख दिया जी नॉट एफ का डेरिवेटिव एट सी इक्वल आ गया जी का डेरिवेटिव एट एफ एफ सी इन एफ का डेरिवेटिव एट सी ये हम प्रूफ करना चाहते थे यही हमने प्रूफ कर लिया लेकिन ये उस वक्त प्रूफ किया है जब एफ एफ एक्स और एफ एफ सी इक्वल ना हो अगर एफ एफ एक्स और एफ एफ सी जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाएं तो उस सूरत में क्या होगा बेसिकली उस सूरत में हमारे पास फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा और अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव एट सी जो है वो जीरो के इक्वल होगा और अगर फ़र्ज़ करें तमाम तो एक्स के लिए एफ आफ एक्स और एफ एफ सी बराबर ना हो अलबा सी के करीब वाले पॉइंट्स के लिए एफ एफ एक्स और एफ एफ सी बराबर हों तो तब आप कह सकते हैं कि c के करीब फंक्शन कांस्टेंट है और c के करीब वाले पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है हम मालूम करना चाहते हैं g नॉट f का डेरिवेटिव एट c जिसके लिए मुझे न्यूमिनेटर में कैलकुलेशन करनी है g नॉट f ऑफ x माइनस जी नॉट f ऑफ c की जो कि g एफ 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 एक्स माइनस जी एफ 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 सी बन रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ सी के तो ये जी एफ 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 सी माइनस जी एफ 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 सी बन रहा है सेम नंबर्स हैं कैंसिल हो गए जीरो आ गया तो जी नाट एफ एफ एक्स माइनस जी नाट एफ एफ सी ज़ीरो के इक्वल आ गया इसको एक्स माइनस सी से डिवाइड कर लेते हैं क्यों डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने जी नाट एफ का डेरिवेटिव बनाना है सी पर तो एक्स माइनस सी से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लिया और जी नाट एफ का डेरिवेटिव एट सी बनाने के लिए साथ में लिमिट की भी ज़रूरत है तो दोनों साइड्स पर लिमिट ले लेते हैं लिमिट लेने से लेफ़्ट साइड पर जी नाट एफ़ का डेरिवेटिव एट सी बन गया राइट साइड पर जीरो और ये जो ज़ीरो है इसको मैं एफ़ डैश सी लिख सकता हूँ कोई हर्ज तो नहीं है बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है क्योंकि एफ़ डैश सी जो है वो जीरो के इक्वल है और मैंने क्यों लिखा है मैंने इसलिए लिखा है कि जो रिज़ल्ट मुझे बनाना है उसके अंदर मेरे पास साथ एफ डैश सी होना चाहिए और साथ में जी का डेरिवेटिव एट एफ एफ सी होना चाहिए ज़ीरो की जगह मैंने एफ़ डी लिख दिया और साथ में मैंने इसको जी के डेरिवेटिव एट एफ सी से मल्टीप्लाई कर लिया कोई फ़र्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एफ डैश सी किसके इक्वल है जीरो के अगर मैं इसको जी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो जीरो ही रहेगा तो यही तो रिजल्ट प्रूव करना था कि जी नॉट एफ का डेरिवेटिव एट सी जो है वो जी का डेरिवेटिव एट एफ एफ सी इन टू एफ डैश सी के इक्वल है ये हमने दोनों केसेज में प्रूव कर लिया एफ एफ एक्स एफ एफ सी के इक्वल हो तब भी और एफ आफ एक्स एफ एफ सी के इक्वल ना हो तब भी तो बहरहाल हमने प्रूव ये कर लिया है कि जी नॉट एफ का डेरिवेटिव एट सी इक्वल होगा जी का डेरिवेटिव एट एफ एफ सी इन टू एफ का डेरिवेटिव एट सी इस चेन रूल का हम बहुत दफा बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं आज हमने इस चेन रूल को बाकायदा प्रूव भी कर लिया है इसके प्रूफ में हमने कैथोरेटरी थ्योरम का इस्तेमाल किया है उसके एक साइड का कि अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो आप एक नया फंक्शन बना सकते हैं कि उस नए फंक्शन की लिमिट फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल हो और उस नए फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक खास इक्वेशन को सेटिसफाई कर रही हो उसका इस्तेमाल करते हुए हमने इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव का फार्मूला जो है उसका प्रूफ किया है आज के लिए इतना ही रखते हैं मजीद डेरिवेटिव से रिलेटेड चीजें जो हैं उन्हें आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे अगर आपने कथरेडरी थ्योरम का प्रूफ करवाना है तो आप कमेंट्स में लिखें हम फिर उसका भी बाकायदा प्रूफ कर देंगे उसका एक डायरेक्शन से तो प्रूफ हमने कर लिया है रिवर्स भी कर देंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं मजीद मज़ी चीज़ें करेंगे आने वाले दिनों में